कितने अमीर हैं महाराणा प्रताप सिंह के वंशज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में आज भी एक जगह मौजूद है जहां पर महाराणा प्रताप सिंह के वंशज रह रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप उनकी रियासत और अमीरी के बारे में जान लेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यह एक ऐसा शाही परिवार है जिसके सामने भारत के कई बड़े बड़े अरबपति भी फीके पड़ जाते हैं। इनकी प्रॉपर्टी से लेकर इनके कार कलेक्शन न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। तो बस हमारी आज की पेशकश में हमारे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहें और भूलकर भी कुछ मिस मत करिएगा, क्योंकि इस तरह की शान और शौकत वाली अमीरी आपने आज से पहले नहीं देखी होगी। दोस्तों, मौजूदा समय में महाराणा प्रताप सिंह के वंशज का नाम है लच्छराज सिंह मेवाड़। लेकिन इनकी कुल संपत्ति और तमाम चीजों को जानने से पहले आपको इनके बारे में भी मालूम होना जरूरी है। लच्छराज सिंह मेवाड़ जो महाराणा प्रताप सिंह के वंशज हैं और उदयपुर के प्रिंस भी कहलाते हैं। आज के समय यह राजस्थान के सबसे खूबसूरत शहर उदयपुर के सिटी पैलेस में रहते हैं। लच्छराज सिंह मेवाड़ के पिताजी का नाम है महाराज अरविंद सिंह मेवाड़ और उनकी माता का नाम है विजय राजकुमारी मेवाड़। मेवाड़ राजघराने के राजवंशज लच्छराज सिंह मेवाड़ का जन्म 28 फरवरी 1985 में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई अजमेर के मियो कॉलेज से करी और फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए यह ऑस्ट्रेलिया चले गए, जहां पर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करी और फिर बाद में यह अपने हॉस्पिटैलिटी का कोर्स करने के लिए सिंगापुर चले गए। आप में से बहुत से लोग यह जानकर जरूर हैरान हो जाएंगे कि एक राजघराने से ताल्लुकात रखने वाले लच्छराज सिंह मेवाड़ ने अपने शुरुआती दिनों में बतौर वेटर के रूप में भी काम किया हुआ है। जी हां दोस्तों, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक वेटर के रूप में करी थी। उन दिनों इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के तमाम कैफेज और रेस्टोरेंट में काम किया था, लेकिन बाद में ये ऑस्ट्रेलिया से वापस अपने घर उदयपुर लौट आए और फिर अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के काम में लग गए। और फिलहाल के दिनों में लच्छराज सिंह मेवाड़ एचआरएच ग्रुप ऑफ होटल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर रहकर सारा काम का संभाल रहे हैं। वह आज अपने पिता के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं और अपने पिता की तरह ही वह बड़े बड़े इवेंट्स को हमेशा से अटेंड करते आ रहे हैं। हमने अक्सर लच्छराज सिंह को बॉलीवुड और तमाम अन्य बड़े बड़े हस्तियों की पार्टी और शादियों में शामिल होता हुआ देखा है। अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के अलावा लच्छराज सिंह को मोटर स्पोर्ट्स का भी काफी शौक है। वह मोटर स्पोर्ट्स के इवेंट को भी कई बार प्रमोट कर चुके हैं। दोस्तों, लच्छराज सिंह की शादी उड़ीसा के बालंगीर घराने के कनक वर्धन सिंह देव और संगीता सिंह की इकलौती पुत्री निवृत कुमारी से हुई है। कहते हैं कि लच्छराज सिंह सरल और सादगी में काफी धनी हैं और वह हमेशा लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटते। सिर्फ इतना ही नहीं, यह आज एक एजुकेशनिस्ट, स्पोर्ट पर्सन, बिजनेस लीडर, टीईडी स्पीकर और 7-time गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। दोस्तों, जिस घराने से लच्छराज सिंह मेवाड़ आते हैं वह बहुत ही ज्यादा अमीर है और इस खानदान की अमीरी के चर्चे तो पूरी दुनिया भर में होते हैं। यह घराना इतना अमीर है कि इसकी अमीरी के सामने तो भारत के बड़े बड़े अरबपति भी कभी कभार पीछे छूट जाते हैं। दोस्तों, आज के समय भारत में मौजूद इसी मेवाड़ राजवंश के शाही होटल्स पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। यह होटल्स एक समय पर मेवाड़ राजवंश के महल हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे आज यह एक होटल चैन में तब्दील हो चुके हैं। जिस जगह पर एक समय पर मेवाड़ राजवंश के राजाओं का दरबार लगा करता था, उसे आज पूरी तरीके से बदलकर रिजॉर्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। इन तमाम रिजॉर्ट के जरिए एक तरफ तो लोगों को मेवाड़ के राज्य के इतिहास से रूबरू कराया जाता है, तो दूसरी तरफ यह एक बेहतरीन आर्ट का नमूना भी पेश करते हैं। आज न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में इन होटल्स चैन की प्रशंसा करी जाती है, जहां समय बिताने और इनकी खूबसूरती को निहारने के लिए दुनिया भर के करोड़पति लोग यहां आते रहते हैं। यह सभी होटल चैन एचआरएच ग्रुप ऑफ होटल के अंतर्गत ही आते हैं। इसी होटल चैन में मौजूद है ताज लेक पैलेस, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और ये यहां पर राजा महाराजाओं के समय से मौजूद है। लोग यहां सिर्फ इन होटल में रहने के लिए नहीं आते बल्कि इनकी खूबसूरती को देखने के लिए भी यहां तक चले आते हैं। लोगों के लिए यहां तक आने के लिए बोट्स का इंतजाम भी किया गया है। इस होटल के अंदर 65 कमरों से लेकर 18 ग्रैंड सूट्स मौजूद हैं, जहां आपको 18वीं सेंचुरी का आर्किटेक्चर भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, एक समय पर ताज लेक पैलेस उदयपुर की शान जल महल हुआ करता था, जिसे महाराजा रणजीत सिंह सेकंड के द्वारा 1746 में बनवाया गया था। अब इसी महल के अंदर आपको एक मयूर महल नाम का सूट मिलेगा, जो यहाँ के सबसे खूबसूरत सूट्स में से एक है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक राजस्थानी चित्रकला से सजाया गया है।
यहाँ पर आपको मोर के डिजाइन भी दीवारों पर लगे हुए नजर आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कांच के आर्ट इफेक्ट से बनी हुई अलग अलग खिड़कियाँ भी मौजूद हैं। यहाँ लोगों को 5-स्टार सुविधा दी जाती है और जो यहाँ का स्टाफ है वह लोगों को राजा महाराजाओं की तरह ट्रीट करता है। यहाँ तक कि इस पैलेस में कई अलग अलग फिल्मों की शूटिंग भी करी जा चुकी है। दोस्तों HRH ग्रुप ऑफ होटल के अंदर इसके अलावा और भी अलग अलग मुख्य आकर्षण मौजूद हैं, जैसे कि फतेही बाग, द अडोही, गार्डन होटल, गजनेर पैलेस और शिव निवास पैलेस। दोस्तों इन तमाम जगहों पर विदेशी लोग भी आकर यहाँ की चीजों का एक्सपीरियंस लेते हुए नजर आते हैं। यह सब कुछ HRH ग्रुप ऑफ होटल के अंडर आता है, जिसे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि मेवाड़ के वंशज आज के समय कितने ज्यादा अमीर हैं। और इस मेवाड़ खानदान के वंशज हैं लच्छराज सिंह मेवाड़। अब बात करी जाए लच्छराज सिंह मेवाड़ की कुल संपत्ति की, तो आज वह लगभग 1,000 करोड़ रुपयों के मालिक बन चुके हैं। दोस्तों अभी तक हमने आपको मेवाड़ खानदान के बिजनेस के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने अपने होटल के बिजनेस को आज इतना बड़ा बनाया है, और ये भी बताया कि इस खानदान के वंशज यानी कि लच्छराज सिंह मेवाड़ कितने ज्यादा अमीर हैं। लेकिन उनकी अमीरी सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं रहती, क्योंकि अब हम आपको उनके कार कलेक्शन के बारे में बताने वाले हैं। यह कोई मामूली कार कलेक्शन नहीं है, और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह की गाड़ियों का कलेक्शन आज इन्होंने अपने पास रखा हुआ है, यह गाड़ियां आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी और ना ही आज से पहले आपने इन्हें कहीं देखा होगा। जी हां, इनके पास लग्जरी और एंटिक गाड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन मौजूद है, जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों मेवाड़ के राजाओं को विंटेज गाड़ियों का काफी शौक रहा है, जिसे इन तमाम राजाओं और महाराजाओं ने अपने शौक के लिए खरीदा था, और उस जमाने से लेकर आज इन्हें बखूबी संभाल के रखा गया है। भगवत सिंह मेवाड़ और अरविंद सिंह मेवाड़ के बाद आज के समय लच्छराज सिंह मेवाड़ इन तमाम गाड़ियों की अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। आज के समय इनके पास पुराने जमाने की बेहतरीन रोल्स रॉयस का कार कलेक्शन मौजूद है, जिसमें 1924 में यूके में बनी रोल्स रॉयस 20 HP शामिल है। यानी कि यह रोल्स रॉयस इस परिवार के पास लगभग 100 सालों से मौजूद है। कहा जाता है कि इस परिवार को रोल्स रॉयस की गाड़ियों से कुछ ज्यादा ही प्रेम था। इसके अलावा इनके पास मौजूद है मर्सिडीज बेंज 190 DB, जो 1960 जर्मनी में बनी थी, और मर्सिडीज बेंज 300 D, जो जर्मनी में 1989 में बनी थी। इन तमाम गाड़ियों के कलेक्शन में कैडिलॉक 3975 मौजूद है, जो 1938 में USA में बनी थी। इसके अलावा एक MGTC कन्वर्टेबल भी इस कलेक्शन में मौजूद है। मेवाड़ के राज परिवार के पास विंटेज एंड क्लासिक कार कलेक्शन में RJY19 नंबर की व्यूक कार भी देखी जा सकती है। यह कार 1946 मॉडल की है। इस कार को चमकीले क्रोम इंटीरियर के साथ जॉर्ज के नाम से जाना जाता था। दोस्तों आज के समय लगभग 7 दशक पहले मेवाड़ खानदान ने अपने कार कलेक्शन में फोर्ड के मॉडल ए को भी इंक्लूड किया था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर RJY68 है। दरअसल यह 1930 का मॉडल है, जिसे फोर्ड कंपनी ने उस समय बनाया था जब फोर्ड की बिक्री में गिरावट देखी जा रही थी। आज इन सभी कार्स की कीमत करोड़ों में है। दोस्तों लच्छराज सिंह मेवाड़ के पास 100 साल पुरानी दो बग्गियां भी मौजूद हैं, जो दरअसल यूनाइटेड किंगडम से लाई गई थी, जिसे असेंबल कोलकाता में किया गया है। इन सभी तमाम चीजों को देखने के बाद एक चीज तो तय है कि मेवाड़ परिवार बहुत ही शाही था, और अपने शौक को पूरा करने के लिए इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। तो चलिए अब एक नजर मेवाड़ के इतिहास पर भी डाल लेते हैं। दोस्तों जब हम बात भारत के इतिहास की करते हैं, तो एक युद्ध की चर्चा हमेशा करी जाती है। हम बात कर रहे हैं हल्दी घाटी के युद्ध की, जहां एक तरफ तो अकबर की विशाल सेना मौजूद थी, जिनके साथ उस समय के जयपुर राजघराने के राजा मानसिंह मौजूद थे, तो वहीं दूसरी तरफ मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली वीर योद्धा महाराणा प्रताप सिंह अकबर की सेना का सामना कर रहे थे। और जिस तरीके से इस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह ने अकबर की विशाल सेना का डटकर सामना किया था, उसकी मिसाल आज तक दी जाती है। अब अगर हम बात करें मेवाड़ वंश के नींव की, तो इस वंश की नींव राजा बप्पा रावल द्वारा रखी गई थी। कहते हैं कि जब उन्होंने 1728 AD के समय में चित्तौड़ पर कब्जा किया था, तब मेवाड़ वंश की शुरुआत हुई थी। फिर आने वाले लगभग 350 सालों तक चित्तौड़गढ़ पर मेवाड़ का शासन चला। कहते हैं कि इस दौर में मेवाड़ वंश ने अपने बेहतरीन समय को देखा। आगे जाकर महाराणा प्रताप सिंह के पिता महाराणा उदय सिंह के शासन में मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़गढ़ से बदलकर उदयपुर लाया गया, और यहाँ पर अलग अलग शाही महलों का निर्माण किया जाने लगा। और जैसे जैसे आने वाले 400 सालों तक यहाँ पर अलग अलग राजाओं ने राज किया, उसी हिसाब से उन्होंने यहाँ पर तमाम महलों का अपने हिसाब से निर्माण भी करवाया। 1818 में महाराणा भीम सिंह ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए अंग्रेजों के साथ एक ट्रीट पर साइन किया था, और फिर जैसे ही भारत को 1947 में आजादी मिली, तब सभी रियासतों पर यह मौका दिया गया कि वह चाहे तो भारत के साथ मिल सकते हैं,
और फिर जैसे ही मेवाड़ के परिवार को इस बारे में पता चला तो उन्होंने खुशी खुशी भारत में खुद के मिलन को स्वीकार कर लिया। लेकिन आज भी हमारा देश इस परिवार के योगदान को नहीं भूल पाया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि महाराणा प्रताप सिंह के वंशज कौन है और वो आज कितने ज्यादा अमीर है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और हमारे चैनल सोशल स्प्रेड को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंचते रहें और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और अगली वीडियो में।